नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पब में नाबालिग को शराब परोसने वाले 3 मैनेजर गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया का परिजनों ने नम आंखों से अंतिम संस्कार किया। पुणे में रसूखदार के नाबालिग बेटे ने अपनी पोर्शे कार से कहर बरपाया। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा मार रही कार ने 2 इंजीनियर्स को मौत की नींद सुला दिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया और दोनों मध्य प्रदेश के उमरिया और जबलपुर के रहने वाले थे। जबलपुर के अश्विनी कोष्टा का परिजनों ने नम आंखों से अंतिम संस्कार किया। बेटिया कल तक पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उधर उमरिया में अनीश अवधिया के घर पर मातम है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। क्या बोलूं, बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाके। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। अरे मेरा बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मामले ने तब तूल पकड़ा जब घटना की बहस 15 घंटे के अंदर आरोपी को बेल मिल गई। बेल की जो शर्त रखी गई उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। मसलन, लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। मामले के तूल पकड़ने पर महाराष्ट्र की पुलिस हरकत में आई और नाबालिग के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी उसके 3 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस आयुक्त और अधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने पुलिस पर किसी दबाव के आरोपों को खारिज भी किया। इसमें आप अगर टाइमिंग देखिए तो आपके ध्यान में आएगा, सही वक्त पर एफआईआर दाखिल हुआ। एफआईआर दाखिल होने के बाद जब सीनियर से इंटरवेंशन किया, सीनियर ने कहा कि 304A ये तो एक प्रकार से उनको नेग्लिजेंस का फायदा मिलेगा, इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है क्या घटनाएं हुई। इसलिए जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया उस समय 304 ही लगाया गया, कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है। पूरे मामले में नाबालिग को जिस तरह से जमानत मिली उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। मसलन, 2 जान की कीमत पर क्या निबंध लिखने की सजा हो सकती है? क्या 2 जिंदगियों की कीमत शराब पीने का इलाज कराना हो सकता है? आरोप लगे कि पुलिस ने दबाव में काम किया। हालांकि पीड़ित के परिजन जमानत का विरोध कर रहे हैं और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने निर्भया केस का जिक्र किया और नाबालिग को बालिग मानकर कार्रवाई करने की बात भी कही। दरअसल ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 इंजीनियर्स की जान चली गई और इस पूरे मामले में अब संज्ञान भी लिया गया है। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने अब जिस तरह की कार्रवाई शुरू की है अब ये तेजी भी कहीं ना कहीं पकड़ रही है। बता दें, पब में नाबालिग को शराब परोसने वाले 3 मैनेजर गिरफ्तार किए गए, तो वहीं नाबालिग जो है, जो ये आरोपी है, उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर जिक्र अगर हम करें रिएक्शंस का भी, तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम ने निर्भया केस का जिक्र किया और नाबालिग को बालिग मानकर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। इसने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है, ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए।